शेखर जी, हमारे हिंदुस्तान में मोबाइल जब से आया है हर लोग बिजी हो गए। मोबाइल तलक तो ठीक था, लेकिन उसमें एक चीज ऐड करके कंपनी वाले ने लोगों को और बिजी कर दिया, वो है चैटिंग। हर आदमी हर जगह पे चैटिंग कर रहा है, ट्रेन में, बस में, घर में, हर जगह पे। कुछ लोगों को तो मैंने रस्ते पे देखा ऐसे चैटिंग करते हुए, ऐसा लग रहा था कि मोबाइल में से फाइटिंग कर रहा है। घर वाले अगल बगल से जा रहे, घर वाले के ऊपर भी ध्यान नहीं। ए बेटा हट। अच्छा, जब से मोबाइल आया लोग झूठे हो गए, उतरेंगे घाट को पर बोलेंगे वीटी। नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अरे वीटी स्टेशन में बाहर खड़ा है भाई। बगल से जाने वाला आदमी टेंशन में, मैं गलती से वीटी तो नहीं उतरा। वो एक बार जाके कंफर्म भी करता है बोर्ड पे। भाई साहब, ओ भाई साहब, हाँ एक मिनट रुक। क्या है? नहीं नहीं, ये घाट को पर है। अच्छा, इसको 10,000 रुपए देने का, देता है क्या? नहीं, नहीं। ओ घाट को पर, ओ। ये मोबाइल आया जब से लोग ऐसे हो गए। शादी, शेखर जी, शादी में हर बंदा बिजी रहता, हर बंदा। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त के शादी में मैं गया था, एक रूम में देखा दुल्हन की माँ दुल्हन को समझा रही है। इधर जैसा करती थी ना, सुबह में तेरे भाई के मुंह पे पानी थूक के उठाती थी, उधर वैसे देवर को मत उठा। इधर जैसा तेरा बाप को स्त्री का चटका देके उठाती थी ना, उधर तेरे ससुरे को मत उठा। इधर जैसा आने जाने वाले छोकरे लोग को देखती ना, उधर वैसा मत देख। एक करके दे रहे ना, उसको ही देख। दूसरे रूम में बुआ नाराज हो गए, कंप्लेंट कर रही है। ऐसा किधर होता है क्या? ऐसा किधर का सिस्टम है क्या? ओ बुआ, क्या हुआ? ये जो दुल्हन है ना, इसका बाप मेरा भाई है, मेरे को एक कपड़े का टुकड़ा भी नहीं दिया। अरे अंकल तो बोल रहा था 1,000 रुपए का साड़ी लेके दिया मेरे बहन को। दिया ना, मैं किधर नहीं बोलती, लेकिन बुलोज नहीं दिया ना। बुलोज नहीं दिया। अब इसने आधा कपड़ा दिया ना, मैं आशीर्वाद भी आधा ही देगी। आधा आशीर्वाद कैसा रहता है? ऐसे नहीं देगी, ऐसे ही देगी मैं। दो लोगों को मैंने देखा हॉल के बाहर खड़े रह के बात कर रहे थे। एक गोटिया, एक गोटिया। क्या है भाई? एक काम कर, फटाफट जा, खाना तैयार है के देख के। अब बंदा सलाद देख के आके बोलता है, भाई। नहीं भाई, अपने उन्हें जमने वाले। अरे क्या हुआ? वो तो बोले, नहीं भाई अपन तो घर पे जाके खाने वाले। अरे क्या हुआ? वो तो बोले, भाई आप भी सब्जी काट के रखे ले। अच्छा, इसमें कुछ लेडीज लोग दुल्हन को देख के बात करते हैं शादी में। कितनी सुंदर है ना दुल्हन, ये 6 महीने से ज्यादा टिकेगी नहीं। क्यों, तेरे को कैसा मालूम? मैं खुद भी नहीं टिकी थी ना। एक बंदा इतना एक्साइटेड होके आता है, ऐसा लगता है दूल्हे से ज्यादा इसको खुशी हो गई है। भाभी पिंटिया, अभी अपने एरिया में आना, अपन मजा करेंगे। ये कुछ नहीं है भाई, जब भी तुमको कुछ लगा ना पिंटिया, कभी तुमको सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में भी कुछ लगा ना पिंटिया, तभी इसने तुमको टच भी किया पिंटिया। अब डांस जैसा शुरू होता है, दूल्हे के दोस्त लोग बिना बोले शुरू हो जाते हैं डांस के लिए। दूल्हा आता है, दोस्त लोग को बोलते हैं साइड में रहता है, ये दीपक नाचने देना यार, तेरे ही शादी। अरे अंकल लोग को नाचने का यार, अंकल लोग। अब अंकल लोग कभी नहीं नाचने वाले, उनको दूल्हा बोल रहा और वो नाच रहा।
दूल्हा पूछते हैं ये कौन सा डांस है, ये मेरे घर के सबसे नाचते में, घर के सबसे मतलब 1 BHK में रहता ना मैं। अब एक अंकल के बारे में पता चला दूल्हे को कि अपने जवानी में ये अंकल ब्रेक डांस करते थे, उनको बोले वो अंकल नाचो, नहीं बेटा बच्चे लोग क्या बच्चे लोग नाचो थोड़ा नाचेगा। अचानक में बीच में रुक जाते हैं अंकल, अरे अंकल ना जाने, नहीं बेटा बस, अरे ना चलो अंकल, अरे नस पे नस चढ़ गए ले बस ना। अब एक बंदा नीचे गिर के ऐसा नाच रहा है, अब उसको देखने वाले लोग एक्सप्रेशन, गरीब लगा हुआ है। सर मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ लोग इतने खूबसूरत होते हैं कि आपको लगता है यार काश ये कोई अपना होता। हो सकता है इस शेर के बाद हो जाए। तो मैंने एक शेर लिखा था मैम आप पर जी इरशाद, कि मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा, कि मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा, अगर बेटी हुई मेरी तुम्हारा नाम रख दूंगा। यार ये सही में बताओ ये मेरे लिए ही बोल रहे हो या मेरी जगह कोई और गेस्ट आई होती यहाँ पे तो उसका उसके लिए भी बोल देते। अब सच तो तुम्हें पता ही है। मेरा तो एपिसोड भी दूसरा था।